गोरखपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कालीबाड़ी मंदिर में मत्था टेक कर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ जीत की कामना की। इसके बाद उन्होंने गीतानगर मंडल में घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और भाजपा की उपलब्धियों और योजनाओं का पत्रक बांटकर केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस कैमरा पीछे भैया, पत्र लिया है ना, कोई जरूरत हो और कुछ नाम बताना हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी राज्य के अंदर, आदरणीय योगी जी देश का प्रधान सेवक, राज्य के अंदर तपस्वी योगी सरकार ने जो 4.5 सालों में जो काम किया है गरीबों की सेवा के लिए, जनता की सेवा, भाई भैया थोड़ा सा वो काम का जिक्र इसमें है, आप इसको पढ़ें। बबलू पीछे तो बबलू इस वार्ड का हमारा बुक कर देगा और कुछ करने की आवश्यकता है उसको आप लिख कर दे देना, काम हमारे तक पहुँचेगा ऊपर, फिर हम लोग ये काम करेंगे। हम लोग 4.5 में चेक में मोबाइल पीछे के लिए काट देंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने गली में भी इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 4.5 वर्ष की योगी सरकार देश के अंदर, आदरणीय मोदी सरकार की उपलब्धियां फोल्डर के माध्यम से जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें से कुछ बिंदुओं को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के अंदर सभी बूथों पर घर घर संपर्क की योजना बनाई है। 26 तारीख से लेकर मन की बात सुनने के बाद, आदरणीय मोदी जी की जो लोकप्रिय मन की बात होती है उसको सुनने के बाद 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर ये घर घर संपर्क होगा और 2 अक्टूबर को सभी बूथों पर या मंडल में इकाई तय करेगी किस किस स्थानों पर स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त कहें कहीं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बनाई है। केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो गरीब तक पहुंची है और आदरणीय योगी जी पहली बार देश के अंदर एक ईमानदार नेतृत्व, परिश्रमी नेतृत्व और गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की सेवा के लिए ऐसे प्रधान सेवक देश का